हेलो एवरीवन, IBPS क्लर्क इंग्लिश के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज फाइनली IBPS का एग्ज़ाम है। सीरीज क्या, अभी मैं अभी जस्ट 2-3 दिन पहले से ही 2-3-4 वीडियोस उस पर बना पाई हूँ, 4 या 5 वीडियोस, जिसमें कुछ एरर्स के थ्रू मैंने आप लोगों को रूल्स को एलैबोरेट करने की कोशिश की थी। एंड थैंक यू सो मच अपना इतना सपोर्ट, अपना इतना रिस्पेक्ट और प्यार दिखाने के लिए, शो करने के लिए। आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स अगर उस वीडियो को देखते हैं तो वो कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक बहुत पॉजिटिव ज़रूर देके जाते हैं, और जो बहुत मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि जितने भी लोग अभी फ़िलहाल में मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल नया स्टार्ट ही कर रही हूँ। ऑफलाइन क्लासेस मैं बहुत सालों से 6 ईयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट पढ़ा रही हूँ, अभी ऑनलाइन की तरफ मेरा जो है वो टारगेट है अगला। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम IBPS पैटर्न की जो इंग्लिश है, जो भी इंग्लिश आती है IBPS एग्जाम्स के लिए, चाहे वो RRB हो, IBPS हो, क्लर्क PO, आगे आने वाला SBI हो, यानी IBPS के पैटर्न का, और फिर चाहे LIC AA का एग्ज़ाम हो, या फिर IBPS बेस्ड जितने भी एग्जाम्स हो, उसके लिए हम इंग्लिश की लाइव क्लासेस अगर चलाएं, तो उसके लिए आप लोगों के लिए कौन सा टाइम ज़्यादा सुटेबल रहेगा? और लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस में से आप सजेस्ट करिए कि अगर लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करें तो कौन से हम स्लॉट में उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग टू आफ्टरनून छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो मेरी ऑफलाइन क्लासेस का टाइम होता है। एंड हम किस टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं इंग्लिश की क्लासेस, देन जस्ट वोट फॉर द सेम। आप लोग कॉमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं, फिर हम इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।